पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद शहर विकास की ओर अग्रसर है और स्मार्ट भी हो रहा है, तो अन्य स्मार्ट चीजें भी मुरादाबाद में खूब देखने को मिल रही हैं। साई मंदिर रोड पर सेल्फचिनो रेस्ट्रो का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन रेस्ट्रो के ओनर ने अपने नाना त्रिलोकीनाथ से कराया। इस अवसर पर सर्वप्रथम हवन और पूजन हुआ, बाद में फीता काट कर उद्घाटन किया गया। रेस्ट्रो की ओनर तृप्ति अपार खन्ना ने बताया कि माँ बाप से बढ़कर कोई और नहीं होता, इसीलिए आज रेस्ट्रो का उद्घाटन अपने परिवार द्वारा कराया गया है, क्योंकि परिवार में सबसे बुजुर्ग नाना जी हैं, तो उनके द्वारा ही फीता कटवा कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। बॉम्बे के बाद आज मुरादाबाद में खुला है, पूरे उत्तर प्रदेश में ये पहला स्कूल खुला है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम और भी ऐसे स्टोर और खोलेंगे। इसमें क्या सुविधा मिलेगी? इसमें आपको कॉफ़ी, कई तरीके की कॉफ़ी है, कॉफ़ी पे आपको अपनी सेल्फी दी जाएगी, आप उनको आराम से पी सकते हैं। इसमें हम सेल्फी दे रहे हैं, कॉफ़ी की सेल्फी दे रहे हैं और शेक्स पे भी दे रहे हैं हम, और बाकी और भी हमारे पास स्नैक्स वगैरह काफ़ी, कॉफ़ी की कैफे की एक पूरी रेंज है हमारे पास। इस पर अपार खन्ना ने बताया कि सेल्फचिनो अब तक बॉम्बे में था, लेकिन अब मुरादाबाद में इसकी ब्रांच का शुभारंभ हुआ है। सभी से रेस्टोरों में आने की अपील की गई है। तो वहीं राजेंद्र टंडन ने अपनी बेटी और दामाद को शुभकामनाएं दी और कॉफी की जमकर तारीफ की, साथ ही महानगर वासियों को कॉफी के लिए आमंत्रित किया। हमारी बिटिया तृप्ति अपार खन्ना ने कड़ी मेहनत के बाद, जो कि विदेशों में कॉफ़ी पिलाई जाती है, जिस पर आपकी फ़ोटो आती है, उसकी फ्रेंचाइजी ली है और आज इसका मुहूर्त किया। इसमें एक विशेष बात यह है कि किसी तरीके की भी कोई केमिकल या कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देगी, ना हम उसको यूज़ करेंगे। जो भी हमारे कंपनियों से इस चीज़ की एडिबलिंग है, जिससे कि किसी स्वास्थ्य के लिए किसी तरीके की परेशानी ना हो और जो कॉफ़ी पिए तो उसको उसका आनंद आए। इस कॉफ़ी में आपको अपनी सेल्फी देनी होगी और वो सेल्फी हम आपकी कॉफ़ी के कप पर हम आपको देंगे, जिसे आप पी सकते हैं। मार्केटिंग ऑपरेटर गीत खुराना ने बताया कि इसका टेस्ट अन्य कॉफी से अलग है और किसी भी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। बड़े शहरों में इसका खूब क्रेज है, देखना होगा कि मुरादाबाद इसे कैसा रिस्पॉन्स देता है। तो ये जो स्टोर इन्होंने लॉन्च किया है, तो एक तो जैसे हमारी सेल्फी वाली कॉफ़ी है कैपेचिनो, राइट, उसके ऊपर हम सेल्फी प्रिंट करते हैं, सेम हम थिक शेक्स के ऊपर भी प्रिंट करते हैं। तो उसके साथ साथ जो भी फ्लेवर है कॉफ़ी के ऊपर सेल्फी का, वो फ्लेवर नहीं है, वो सिर्फ देखने के लिए है। तो उससे आपका कॉफ़ी का या थिक शेक का मज़ा फिरकिरा नहीं होता, फ्लेवर वही रहता है, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा मज़ा आता है क्योंकि आपकी फ़ोटो खुद उसके ऊपर है। अब चाहे वो आप खुद की फ़ोटो प्रिंट करें या आप अपने पिताजी की फ़ोटो प्रिंट करें, वो उनके लिए गिफ्ट हुई, राइट। उस तरीके से जो मज़ा है, जो आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक सेल्फी का क्रेज़ हो रहा है, यंगस्टर्स में तो आ ही रहा है ये क्रेज़, लेकिन आजकल जैसे टंडन जी हैं, वो खुद भी फ़ोन लेके सेल्फी क्लिक करते हैं, जो हमारे पिताजी की उम्र के, उनमें भी ये क्रेज़ आजकल बढ़ रहा है। तो इस वजह से ये चीज़ काफ़ी ट्रेंड में है बॉम्बे में, तो इन्हें पता चली, ये हमारे पास मिलने आए और इन्होंने बोला कि हमें भी ये चीज़ चालू करनी है मुरादाबाद में, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का बहुत स्कोप है, यहाँ पे इस तरीके के लोग काफ़ी मज़े लेंगे इस चीज़ के बारे में। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इनके साथ टाइप किया है, कोलैबोरेशन किया है, जिस वजह से ये आज इस चीज़ का सेल्फी चिनो का यहाँ पे उद्घाटन हुआ। अच्छा, किस तरह का इसमें प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हैं, क्या किसी तरह की कोई परेशानी आया है या फिर किसी तरह की कोई हानि? नहीं, कोई भी नहीं। जो भी इंक है वो एडिबल इंक है, वो एज गुड एज जो फूड कलर होता है वो वही ही है, और लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो यहाँ का नहीं है, वो इम्पोर्टेड है, जिस वजह से उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो लोकल काम नहीं करना चाहते, वो जो हम कर रहे हैं एकदम स्टैंडर्ड कंपनी की तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।